ग्रेट। सो फाइनली ये मेरी आखिरी वीडियो है इस सीरीज़ की। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये सीरीज़ चार वीडियोस पर मुश्तमिल है। पहली वीडियो में हमने जाना कि ISI का स्ट्रक्चर क्या है और इसको ज्वाइन करने के प्रोसीजर को हमने ओवरव्यू किया। देन हमने ISI की फंक्शंस एंड टेक्निक्स को देखा कि कैसे ISI जासूसी करती है और किस तरह मालूमात को जमा करती है। फिर हमने तीसरी वीडियो में ISI के कारनामे देखे कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कैसे बहुत ही कमाल के ऑपरेशंस किए हैं जिसकी वजह से दुनिया इसको सराहती है। लेकिन कोई भी एजेंसी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ गलतियां, छूट, कोताहियां हो ही जाती हैं एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब कब ISI फेल हुई अपने ऑपरेशंस के दौरान, इनके सामने सब कुछ होता रहा और ISI को खबर भी ना हुई। लेट्स स्टार्ट। This is Gaurav Rizvi and you are on my channel. सबसे पहले आती है 1971 की जंग, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी फेलियर सामने आया। पॉइंट हिम्मत, बहादुरी और जांबाजी का नहीं बल्कि पॉइंट कंक्लूजन का है एंड इन कंक्लूजन पाकिस्तान 1971 की जंग इंडिया से हार गया। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का अलग हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ी हार थी पाकिस्तान के लिए, स्पेशली इंटेलिजेंस इदारों के लिए, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को अलग करवाने और फिर उसको पाकिस्तान के खिलाफ करने में जीत गया और ISI का ये फेलियर कहलाया। कराची और इवन सिंध में MQM के रॉ से ताल्लुकात और उनकी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़। नाउ ये पॉइंट डिबेटेबल है। रिसेंटली ये वाजे हुआ कि MQM की फंडिंग में इंडियन रॉ भी इन्वॉल्व थी एंड अल्ताफ़ हुसैन को इंडियन बैकिंग हासिल थी ताकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को कंट्रोल करें। और ये एंटी स्टेट काम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के नाक के नीचे होते रहे और किसी को खबर ना हुई। मैंने कहा कि ये डिबेटेबल है, मतलब ये कि या तो एजेंसीज़ को पता था, जिससे हमारी एजेंसीज़ की रेपुटेशन और ख़राब हो जाती है कि कैसे उन्होंने एंटी स्टेट एक्शंस को होने दिया पाकिस्तान में, या फिर ISI को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस रॉ की इन्वॉल्वमेंट का MQM में, जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ की नाअहली को पेश करता है। इस्लामाबाद मैरिट होटल बॉम्बिंग 2008 में इस्लामाबाद के सबसे प्रेस्टिजियस होटल के सामने एक एक्सप्लोसिव से भरा ट्रक फट गया जिसमें 54 लोगों की मौत वाके हो गई, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी और 5 गैर मुल्की लोग शामिल थे। ये होटल बहुत ही मायने इसलिए रखता था कि ये पाकिस्तान के कैपिटल में था और इसके इतराफ सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एम्बेसीज, हाई कमीशन एंड डिप्लोमेटिक ऑफिस शामिल थे। ये वाकया भी पाकिस्तानी एजेंसीज के फेलियर्स में शामिल होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल शूटिंग 2014 में 6 गनमैन जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे ने आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर बच्चों पर गोलियां बरसा दी, जहां 149 लोगों की मौत हुई जिसमें 132 बच्चे शामिल थे, जिसके बाद पाकिस्तानी SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जिसके दौरान 6 टेररिस्ट मारे और 960 लोगों को बचाया गया उस जगह से। लेकिन एक चेचन, 3 अरब, 2 अफगानी दहशतगर्दों का पाकिस्तान में इतने असलहे के साथ घुसना और फिर आर्मी के स्कूल पर हमला कर देना ISI के फेलियर्स में से आता है। डेथ ऑफ जनरल जियाउल हक 1998 में जनरल जियाउल हक की एक प्लेन हादसे में डेथ हो गई जिसमें शायद अमरीकी CIA का हाथ था, जिसमें सिर्फ जनरल जियाउल हक ही नहीं बल्कि अमरीकी सफीर आर्नर रफेल एंड जनरल हर्बर्ट भी शामिल थे। दिलचस्पी की बात यह है कि इसकी इंटेलिजेंस ISI के पास मौजूद थी। जियाउल साहब के जो प्लेन क्रैश हुआ तो आप ISI में थे? हमें ISI में था। आपको पहले पता था कि प्लेन क्रैश होने वाला है? जी, मैंने 17 जुलाई 1987 को रिपोर्ट भेजी थी, तो ये रिपोर्ट मैं DG के पास लेकर गया था। आपके पास क्या खबर आई कि जियाउल साहब को एक साल के अंदर मार दिया जाएगा? एक साल नहीं था, क्या था? बस इन द नियर फ्यूचर कि शायद ये वाकया होने वाला है, लेकिन कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से इसको इग्नोर कर दिया गया। उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में होना एंड अगेन ये भी डिबेटेबल है, लेकिन प्रेसिडेंट मुशर्रफ के मुताबिक पाकिस्तान को खबर नहीं थी कि बिन लादेन पाकिस्तान में है। Now one thing I am 500% sure is about myself. Nobody has to tell me that I didn't know it. So for 2 years he was there and I didn't know it.
Now, you never heard a single rumor or whisper that he might be? Not at all. And is it possible that the intelligence agencies were hiding from me? No, that is not possible, because I was the army chief also. And the ISI, the intelligence agencies, are manned, mainly officered by military, army, navy, or for mainly army. Mm. And they have all, most of them have associations with me. So if somebody was hiding on top, somebody below in the second, third tiers would have come and told me. So this is not possible at all. तो अगर हम इसी नैरेटिव को लेकर चलें तो ये ISI का बहुत ही बड़ा फेलियर कहलाएगा कि इतना बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री बेस के करीब घर में रह रहा था और किसी को भी खबर नहीं हुई. लेकिन फिर हमें एक और नाम मिलता है, ब्रिगेडियर उस्मान खालिद का. उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने CIA को उसामा बिन लादेन की लोकेशन बताई, जिसके बदले में CIA ने उन्हें भर कर पैसा दिया और उन्हें और उनकी फैमिली को UK में सेटल करवाया. जबकि CIA इस थ्योरी को नहीं मानती. लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि ISI ने ही एक लीड दी थी CIA को, जिससे उसामा बिन लादेन की लोकेशन का पता लगा. एंड यट इट वाज ISI व्हिच गिव द इंफॉर्मेशन व्हिच लेड टू द लोकेशन ऑफ उसामा बिन लादेन. इट वाज ISI व्हिच गिव द इनिशियल लोकेशन थ्रू द फोन कनेक्शन. However, इस बयान के बाद एक बहुत ही बड़ी डिबेट स्टार्ट हुई पाकिस्तान में. तो मैंने थोड़ी सी खोज स्टार्ट की ताकि पता लगे कि क्या वाकई पाकिस्तान ने कोई लीड दी थी या नहीं. और मुझे एक इनडायरेक्ट लिंक मिला एक इंटरव्यू के क्लिप में. प्रेसिडेंट ओबामा ने उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद जब अपनी पूरी कौम से खिताब किया तो उसमें ये कहा, Last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. जबकि जनरल पाशा, जो कि DG ISI थे, ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को नहीं पता था. सो जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये टॉपिक डिबेटेबल है, लेकिन दोनों मामलात में ISI का फेलियर सामने आता है. India's move in Kashmir. इस टॉपिक पर स्टिल बहुत सी खबरें मुसलसल आ रही हैं और ये मामला स्टिल बहुत गर्म है. लेकिन इंडिया का आर्टिकल 370 को मंसूख करना शायद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर कहलाएगा. मैंने कहा शायद, क्योंकि आर्टिकल 370 का कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है ISI के साथ. लेकिन इंडियन आर्मी के ट्रूप्स की मूवमेंट, देन उनका कश्मीर को लॉकडाउन करना, वेपन्स की मूवमेंट वगैरह की खबर ISI तक ना पहुंची या बहुत लेट पहुंची, ये इशारा करता है कि शायद ये भी ISI का फेलियर था. एंड दैट्स इट. होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. डिस्क्लेमर देता जाऊं कि ISI एक बहुत ही कमाल की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड फॉर श्योर इस इदारे के हवाले से पुख्ता मालूमात मौजूद नहीं. जितनी भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, एंड इंटरव्यूज़ में इसका जिक्र है. ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है. अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, gohar.rizvi. YouTube पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, www.youtube.com/mychannelvideo. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.